के छठवें दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्व है। इनकी चार भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरा वर मुद्रा में है। बाई तरफ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुषभ है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी का मंत्र चंद्रहास उज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभन दद्यात् देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी बीज मंत्र ओम ह्री नमः। माँ कात्यायनी जाप मंत्र ओम देवी कात्यायन्ये नमः। जो उपासक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेकर साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ कर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि इस दिन सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें, फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान है। इनकी पूजा के पश्चात ही देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र से ध्यान किया जाता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा के लाभ उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सान्निध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतः भावन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा के छठवें रूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम इस प्रकार पड़ा। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले और फिर माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी को तीन दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।